चलिए आज हम कुछ वर्णमाला के ऐसे वर्णों के बारे में बात करते हैं जिन वर्णों का उच्चारण स्थान अलग-अलग है, लेकिन वो आते एक ही वर्ग में हैं। उस वर्ग को कहते हैं हम उष्म व्यंजन, यानी उष्म व्यंजनों का वर्ग। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे आज। उष्म व्यंजन का उच्चारण स्थान किस-किस जगह है हमारे मुख के अंदर, ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे आज। मैं धर्मेंद्र कुमार और जी के देखो भाई डीके में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं, आज हम तीन बातों के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो लंबी हो जाए तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है, बात तो ज्ञान से ज्ञान लेने की है और उसको समझने की है। तो वीडियो अगर लंबी हो जाए तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। ऐसे कहते हैं जब ज्ञान की बात हो रही होती है तो 1 घंटे का समय भी जो है हमें 15 मिनट का दिखाई देता है। तो चलिए आज बात करते हैं हम स, श और स के उच्चारण स्थान के बारे में बात करेंगे आज हम। ये समझाएंगे कि इनका तीनों का जो है स्थान वो बोलने के लिए मुख के अंदर हमारे कहाँ कहाँ है। फिर हम बात करेंगे स, श और स। यहां मैंने स छोड़ दिया है, उसको मैं लिख लेता हूं। यहां हम बात करेंगे दंत स की, ठीक है, इसकी बात करेंगे हम, ठीक है। तो स, श और स शब्दों में आने का क्रम, यानी स, स और स का शब्दों में आने क्रम क्या होता है। अगर ये तीनों किसी एक ही शब्द में आ जाएं तो इनका क्रम क्या होगा, इस बारे में बात करेंगे हम। फिर तीसरी बात हम बात करेंगे सौ का प्रयोग ज्यादातर किस वर्ग के वर्णों के साथ होता है। तो हम तीन विषय के बारे में बात करें, तीन बातों का हम आज चर्चा करेंगे कि स, श और स इनका उच्चारण स्थान क्या है। अगर हम बात करें, अगर मैं उपले वाले जबड़े की बात करूं अपने, अगर वो इस आकार का है, हम मानकर चलते हैं कि हमारा ऊपर वाला जबड़ा, अपर जाओ, ऊपर वाला जबड़ा जो है वो इस आकार में है, ये हम मानकर चलते हैं, होता भी ऐसा ही है। और ये हमारे यहाँ दांत हैं, ठीक है, इन दांत को मैं ऐसे बना लेता हूं, जबकि ऐसे होते नहीं है। इतनी अच्छी ड्राइंग बनी है मेरी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की। तो ये जो हमारा स्थान है, ये बिल्कुल, ये इसको हम कहते हैं दंते स्थान, दंते, तो इसको हम दंते बोलते हैं, ठीक है, इसको हमने बोला दंते, ठीक है। और थोड़ा जो इससे ऊपर है यहां, इसको हमने बोला तालव्य, ठीक है, यानी तालु, इसको हमने तालव्य बोला, ठीक है। और जो हमारा बिल्कुल यहां हमारे नाक के बिल्कुल नीचे है, इसको हमने बोला मूर्धन्य, यानी मूर्धा वाला स्थान, ठीक है। तो ये तो हमारे जबड़े की जो है एक स्थान है, ऊपर वाले जबड़े की मैंने बात करी है कि हमारे जीभ जो है वो कहाँ कहाँ टच होगी, ये मैं बताने जा रहा हूं आपको। अगर हम पहले सौ की बात करें, इसकी सौ की बात करें, ये हमारा सौ है, तो इसको हम कहते हैं तालव्य स, यानी तालु से बोला जाता है। जहां भी इसका उच्चारण बोलेंगे वो तालु से बोलेंगे। और तालु कहाँ होता है, हमारे दांत से ठीक पीछे, जहां हमारे दांत टच है उससे थोड़ा पीछे, यानी कि यहाँ यहाँ तालव्य होता है। और जब हम सो को बोलते हैं तो हमारे जीभ जो है वो वहां टच होती है, तालु के स्थान पर, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं तालु, तो इसको हम तालु कहते हैं, तालु, ठीक है। और इसको हम कहते हैं मूर्धा, ठीक है, तो इसको हमने मूर्धा बोला। यहां से बोले गए वो तालव्य कहलाए, जो मूर्धा बोले गए वो मूर्धन्य कहलाए। तो जो हमारा स है पहले वाला, ये हमारा बोला जाएगा तालु से, ठीक है, ये तालु से बोला जाएगा, इसका उच्चारण हम कहां करेंगे, तालु से, ठीक है, तो ये तालव्य कहलाएगा। फिर हमारा आ गया दूसरे वाला स। आप देखें जब स को बोलेंगे, हमारी जीभ जो है वो पलटा खाकर जो है ऊपर, पलटा खाकर जो है वो इस पर टच होगी, यहाँ इसको कहते हैं मूर्धन्य, मूर्धन्य बोलेंगे इसको हम। और ये हमारा हो जाएगा, ये
मूर्धा से, इसका उच्चारण जो हो मूर्धा से होगा, ठीक है। तो इसको हमने मूर्धन्य कहा। स स स ये हमारा यहां से बोला जाएगा, ठीक है। इसका उच्चारण हम करेंगे दंते, यानी दंत से बोला जाएगा ये, जहां हमारी जीभ जो है अगर आप बोलकर देखें तो जीभ हमारी बिल्कुल ऊपर वाले यहां टच होगी श्र श्र, और इसको कहां टच होगी ऊपर बिल्कुल श्र षट ऐसे, और श्र ये आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया बोलने का उच्चारण स्थान, इनका उच्चारण स्थान जो हो वो कहां कहां है तीनों का, ठीक है। अब इन तीनों के बारे में बात करेंगे कि इनका शब्दों में आने का क्रम क्या है, इनका शब्दों में आने का क्रम क्या है, ठीक है। अगर हम बात करें जिस क्रम में वर्णमाला में आए हुए हैं, जिस क्रम में ये वर्णमाला में आए हुए हैं, कि पहले सा आता है तालु वाला, फिर मूर्धा वाला, फिर दंते आता है, तो ये इसी क्रम में किसी भी शब्द में आएंगे। देखो इनमें इतना अनुशासन है, इतनी क्रमबद्धता है इन तीनों में, इन अगर तीनों की बात करूं मैं, तीनों हमारे स हैं, इन तीनों क्रम किसी भी शब्द में आने का, तो पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। यदि दोनों आए तो पहले ये आएगा, फिर ये आएगा। यदि ये दोनों आए तो पहले ये आएगा, फिर ये, यानी जो क्रम इनका इस उष्म व्यंजन में निश्चित है कि पहले तालु वाला, फिर मूर्धा वाला, फिर दंते, इसी क्रम में ये किसी भी शब्द में आते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं बात करूं दो की, शेष, आप देख रहे शेष में जो है तालु वाला और मूर्धा वाला, तो जो पहले आया है वो पहले ही आया है, इसके बाद ही आया है, ठीक। अगर मैं बात करूं अगला शब्द ले लो शासन, आप देख रहे हैं यहां, यहां तालु वाला स है और दंत वाला स है, ये पिछड़ा नहीं आया तो क्रम नहीं टूटा, इसके बाद यही आएगा, तो ये शासन में आ गया। फिर आप देखिए विश्वास, अगर हम नाम की बात करें विश्वास, इसमें भी आप देख रहे हैं कि छोटा सा जो है तालु वाला पहले वही आया है, उसके बाद दंत वाला आया है। अब देखिए तीनों हमारे साथ साथ सामने एक ऐसा शब्द भी है ये भी तीनों आते हैं। देखिए यहां अगर मैं तीनों की बात करूं शीर्षासन, इस शब्द में तीनों स आया है। शीर्षासन एक योग का आसन होता है, शीर्षासन, उसमें तीनों आए हैं, लेकिन तीनों क्रम देखिए आप, हमारी हिंदी भाषा को इसीलिए वैज्ञानिक भाषा कहा जाता है। अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता कि कोई भी वर्ण जो है वो उसी क्रम में आए जिस क्रम में वो वर्णमाला में निश्चित है, ठीक है। इसीलिए हमारी हिंदी भाषा को जो है वैज्ञानिक भाषा कहा जाता है। अंग्रेजी में तो साइलेंट लेटर भी होता है, लेकिन हमारी हिंदी में जो लिखा जाएगा वही पढ़ा जाएगा और वही बोला जाएगा। अगर अंग्रेजी की बात करें, ये हमारा एक शब्द है अंग्रेजी का, ये COULD कुड, इसको कुड बोलते हैं, ठीक है। ऐसे एक शब्द और देख लीजिए आप, नाव, अब इसको तो हम कनाव बोलेंगे, लेकिन नहीं ये कहते के तो साइलेंट है, के तो यहां साइलेंट है, ठीक है, नाव हो गया। ऐसे हमारा नॉलेज हो गया KNOWLEDGE, इसे नॉलेज है, इसमें ना तो डी बोली जा रही ना के बोला जा रहा है, लेकिन हमारी हिंदी भाषा में ऐसा नहीं है, जो यहां बोला जाएगा वही लिखा जाएगा और वही पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी हिंदी भाषा जो है इसलिए वैज्ञानिक भाषा मानी जाती है, ठीक है। आप यहां क्रम देखिए स स और स, तीनों का जो क्रम है अगर ये किसी शब्द में आते हैं तो तीनों का क्रम वही रहेगा, पहले तालु वाला स, फिर मूर्धा वाला स, फिर दंत स, ठीक है। और देख लीजिए, ये देखिए सा सन, इसमें भी देख रहे हो पहले तालु वाला स, फिर दंत वाला स,
इसमें मुर्दा वाला सा नहीं आया, इसमें सा आया था मुर्दा वाला। ठीक है, फिर देखिए आप अनुशासन, अनुशासन हमारे शब्द हैं कुछ जिनमें आप देख सकते हैं कि इनका क्रम जो है जो वर्णमाला में निश्चित है उसी क्रम में ये आएंगे, ये एक विशेष बात है। जैसे हमारी वर्णमाला में जो है प वर्ग जो है एक ऐसा वर्ग है जिसको बोलते समय दोनों हमारे होंठ जो है वो मिलते हैं, पूरे 52 वर्ण में ऐसा कोई वर्ग नहीं है जहां हमारे दोनों होंठ मिलते हो, वो हमारा प वर्ग है। ठीक है, तो ऐसे हम कह रहे हैं स, श्र और स, इन तीनों का जो क्रम यहाँ है वो क्रम यहाँ बिल्कुल आपको शब्दों में दिखाई देगा। ठीक है, कहीं भी वो क्रम टूटेगा नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन तीनों का, इन तीनों में से अगर हम बात करें, इन तीनों वर्णों में से जिनको हम उस व्यंजन बोलते हैं, अब इनको हम उस व्यंजन क्यों बोलते हैं ये तो मैंने पहली वीडियो में बताया था आपको, क्योंकि जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से हवा रगड़ खाकर निकलती है, यानी कुछ उष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इनको हम उष्मीय व्यंजन कहते हैं, उष्मीय वर्ण कहते हैं। ठीक है, ये तो बात रही इनकी नाम रखने की। ठीक है, हमने बता दिया आपको ये किस क्रम में आए हैं, ये हमारा क्लियर हो गया, ये स, श और स का शब्दों में आने का क्रम बिल्कुल निश्चित है, क्रमबद्धता है कि पहले ये आएगा फिर ये आएगा फिर ये आएगा, यदि दो आ गए तो पहले ये आएगा फिर ये आएगा, यदि ये दो आ गए तो पहले ये आएगा फिर ये आएगा, यानी क्रम टूटेगा नहीं, आप इन शब्दों में आसानी से देख सकते हैं किसी में भी क्रम टूटा नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर हम मूर्धा वाले स की बात करें तो इससे हमारे बनने वाले बहुत ही कम शब्द हैं, बहुत ही कम शब्द हैं, लेकिन जितने भी शब्द इससे बनते हैं अगर हम बात करें तो वो कौन कौन से, देखिए इससे हमारा पहला शब्द बनता है सडानन। ठीक है, फिर बनता है हमारा षष्ठ, ठीक षष्ठ, या फिर षष्ठी, ठीक है, या फिर षष्ठभुज, ये शब्द निकल कर आ रहे हैं षष्ठभुज, फिर आ गया हमारा षष्ठमुख। ठीक है, ये शब्द बन रहे हैं हमारे, तो आप देख रहे हैं कि अगर आप आसानी से देखें इनमें जो है कि इनके जो अगर ये आधा अक्षर आता है, अगर हमारा मूर्धा वाला सा किसी शब्द में आधा आता है तो अगर ये आधा आता है ना तो इसका संबंध इससे है, अगर ये आधा आ रहा है तो इसी वर्ग के हैं मूर्धा वाले वर्ग के ही अक्षर इसके बाद आएंगे। ठीक है, देखिए यहां सडानन इसी का आ रहा है, अगर आप देखें तो इसको भी हम यही मानते हैं और इसको भी हम यही मानते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो आता है वो इसके वर्ण वाला ही आता है, इसके वर्ग वाला ही, क्योंकि हमारा मूर्धा वाला स जो है वो मूर्धा वाले स के बाद ही उसके वर्ण आएंगे, क्योंकि ट ठ ड ढ ण ये जो हमारा है ये बिल्कुल हमारा मूर्धा से बोला जाता है पूरा वर्ग, इसको हम मूर्धन्य वर्ग कहते हैं, इससे पहले हमारा तालु वाला होता है, इससे पहले हमारा कंठ वाला होता है, तो ये हमारा मूर्धन्य वर्ण है या वर्ग है, ये सारे जो है मूर्धा से बोले जाएंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ देखो स आया है तो इसके बाद क्या है ये तुरंत इसी वर्ग का है, इसके बाद क्या है देखो आधा आ गया, एक अगर ये आधा आ गया हमारा मूर्धा वाला स तो इसके तुरंत बाद ट आएगा या ठ आएगा या ड आएगा, ढ आएगा या ढ आएगा या ढ आएगा फिर अण आएगा, इनमें से ही कोई आएगा, देख लो आप षष्ठी ट आया हुआ है, षष्ठभुज ट आया हुआ है, षष्ठमुख ट आया हुआ है। ठीक है, ऐसा देखिए आप राष्ट्रीय, यहां स आया है आधा मूर्धा वाला तो ट आ गया, कष्ट कष्ट में देखिए ठ आ गया,
ठीक है, हमारा जो स था मुर्दा वाला वो आधा आया है। तो आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल इसी वर्ण के, अगर कोई आधा आता मुर्दा वाला स तो वो इसी वर्ण के साथ आगे, जस्ट उसके आगे इसी का वर्ण कोई ना कोई मिलेगा आपको। ठीक है, आप इनसे उदाहरण से आसानी से देख सकते हैं। तो मैंने ये बात क्लियर कर दी है कि स का प्रयोग ज्यादातर किस वर्ग के वर्णों के साथ होता है, तो वो ये वर्ग है, ये भी मूर्धा वाला हमारा मूर्धन्य वर्ग है। ठीक है, और मैंने ये भी बता दिया आपको, अगर ये तीनों किसी एक शब्द में आते हैं तो इनका क्रम वही रहेगा जो इस तरह वर्णमाला में आते हैं। ठीक है, तो इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, शासन है, विश्वास है, सिर, यहाँ तीनों आए हुए हैं और तीनों उसी क्रम में है, यहाँ दो हैं, 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 ये किसी भी देश में अपने क्रम के अनुसार ही आएंगे। तो ये बात जो है थोड़ा सा मुझे लगे कि मैं आपको बताऊं इस बात को, ताकि आप इसको हमेशा याद रखें, क्योंकि ये भी हमारा मूर्धा वाला स है और ये भी हमारा मूर्धा से ही सारे वर्ण बोले जाते हैं। अगर ये कहीं आधा आता है तो इसके तुरंत बाद इनमें से कोई ना कोई आपको मिलेगा, ये निश्चित है। ठीक है, कष्ट में देख लो आप, षष्ठी में देख लो, षष्ठ में देख लो, षष्ठमुख में, राष्ट्रीय में देख लो, कहीं भी देख लीजिए आप, यही मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये सोचने वाली बात है। जैसे तृष्णा शब्द है, तृष्णा, तृष्णा देखिए, आधा हमारा मूर्धा वाला स है तो उसके बाद अणा यही आया है, कृष्णा, कृष्णा, बिल्कुल आपको वही मिलेगा, ये बिल्कुल निश्चित बात है। आधा आ गया हमारा मूर्धा वाला स, यहाँ हमारा मूर्धा वाला स हो जाए हुआ आधा है, तो उसके तुरंत बाद क्या मिला आपको, यहाँ भी देखिए ये आने वाला मिला है, इन्हीं में से मिलेगा। ठीक है, अगर ये पूरा आता है शुरू में तो उसके बाद भी इन्हीं में से कोई मिलेगा आपको, ये निश्चित है, इसमें कोई भी गलती करने वाली बात नहीं है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि मेरी बताई हुई आपको बातें जो हैं वो आपको जो हैं वो अच्छी प्रकार आप सीख लें और दूसरों को भी शेयर कर दें। मैं सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए नहीं कहता हूं कि मेरे सब्सक्राइब बढ़ जाएं, मेरा ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। मेरा उद्देश्य सब्सक्राइब करने से सिर्फ ये है कि मेरी बात ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुंचे और वो इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद, जय हिंद।